पादरी रहता था चर्च में, हजरत अबू तालिब काफिले के साथ ऊंट पर सलाम को बिठा है, जबकि उनकी उम्र 8 साल की है। ये राय चिमचिला की धूप चर्च के ऊपर बैठा हुआ है, मंदिर देख रहा है। वो मंदिर ये है कि काफिला तो बहुत बड़ा है, ऊंटों ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर एक बूढ़ा और एक बच्चा बैठा हुआ है और बादल साथ साथ चल रहा है। बादल साथ साथ चल रहा है और वो ऊंट वाला मुसाफिर वो बूढ़ा एक झाड़ के नीचे आके बैठकर के उस झाड़ के नीचे आके बैठा। जैसे ही वो छोटा 8 साल का बच्चा झाड़ के नीचे बैठा और फल लग गए, झाड़ हरा हो गया और फल लग गए। ये दो मंदिर को जो देखा आ रहा है तो साया बादल करते हुए आ रहा है और सूखे झाड़ के नीचे बैठा तो बच्चा जो है झाड़ हरा हो गया फल लग गए। अनाथ खुदा मुकद्दस देख के हैरान हो गया, ये झाड़ के नीचे किताब में लिखा है कि यहाँ खातिमुन नबीन आके बैठे हैं। वो पादरी हैरान होना हो गया कि खातिमुन नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए असली खान पे। तो ईसाई बड़े फादर जो राहे था उसने कहा कि अबू तालिब सब आ गए, सब आ गए, कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। हजरत अबू तालिब ने कहा कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, क्या वो मेरा बेटा नहीं आया, वो वहीं पर है झाड़ के पास। तो ईसाई राहे तो लिखा है कि मैं यतीम है, तुम्हारा बेटा कैसे है, भतीजा है, उसको मैं अपना बेटा समझता हूँ। तो ईसाई राय कहने लगा अबू तालिब ये कैसी दावत है, बारात आ गई दूल्हा रह गया। बारात आ गई दूल्हा रह गया, अरे दावत तो उसी बच्चे की कर दी। हजरत अबू तालिब बोल भी जाए मेरे आका तशरीफ लाए बैठे, सब खाना खाए बाद लोगों को भिजा दिया। भिजा के अबू तालिब से कहता है, सरकार अबू तालिब से कहता है कि अबू तालिब जानते हो ये बच्चा कौन है, 8 साल की उम्र, जानते हो ये बच्चा कौन है। अबू तालिब ने कहा कि मेरे भाई का बच्चा है। बोले ये खातिमुन नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अबू तालिब जिसकी बशारत ईसा और मूसा ने दी थी पैगंबर, वो ये पैगंबर है। अबू तालिब इनकी पैदाइश का ऐलान यहूद और नसारा को हो चुका है इतना, और इस बच्चे को खतल करने के लिए यहूद और ईसाई गली गली फिर रहे हैं खातिमुन नबीन कहां पैदा हुए। अबू तालिब इस बच्चे की हिफाजत करना, इस बच्चे को कभी अकेले नहीं छोड़ना। तो सरकार अबू तालिब देख के बोले, अरे दादा तू किताब देख के बोल रहा है, ये तो मेरे गोद में पैदा हुआ है, तू जानता है कि ये खातिमुन नबीन है, मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। सरकार अबू तालिब बचपन से देखे, तारीख इस्लाम में कि कुर्बानी सहाबाए किराम की मुकद्दस कुर्बानी अपनी जगह है। खुदा की कसम इस्लाम की आबियानी के लिए सहाबा का खून बहुत बहा और इनकी कुर्बानी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन घर वालों को तो कसे कुछ पड़ता ना, अपना लुटाना, सब कुछ लुटाना, ये लुटाना वो लुटाना, ये दे दिए वो दे दिए। अरे मेरे दोस्तों, औलाद को कुर्बान करने का जज्बा अबू तालिब ने दिया है। इब्ने इसहाक की रिवायत है और ये इब्ने इसहाक उस वक्त के मुहद्दिस हैं जब इमाम बुखारी के दादा परदादा लखपत दादा भी पैदा नहीं हुए थे। सन 55 हिजरी के मुहद्दिस हैं ये, इमाम बुखारी को छोड़ो उनके दादा परदादा भी पैदा नहीं हुए थे जबकि हदीस की किताबें नवाजी। वही इब्ने इसहाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी मगाज़ी में लिखते हैं कि शोबे अबी तालिब ने मेरे आका को ये दुश्मना ने रसूल ये पांच मुशरिकीन अबू सुफियान रेजोल्यूशन पास कराया, यजीद का दादा, और मेरे आका को घर में कैद करवा दिया खानदान के साथ, और 3 साल तक तुम्हारे हमारे नबी कैद रहे घर में,
खजूर के धुनिया खा के पूरे घर वाले सैयदा फातिमा अली मुश्किल पूछा, पूरे घर वालों का सोशल बायकॉट किया गया और मेरे आका को कैद कर दिया गया खास बार में, जहाँ पानी जाना भी मुश्किल था, जहाँ खाना जाना भी मुश्किल था, पूरी चारों तरफ से मुश्रिकीन ने नाका बंदा की और ये अबू सुफियान की कमांडिंग करता था यजीद का दादा अमीर मालिया का बाप, पानी तक घर में ना जाने पाए, खाना ना जाने पाए, ऐसी सब पहरेदारी। अब घर में वहां फाका हो रहा है घर में। हजरत इब्ने असाद रजी अल्लाह तआला ने लिखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ सो रहे हैं घर में और रात के वक्त हजरत अबू तालिब उठते हैं और उठ के कहते हैं कि ऐ मोहम्मद वहां से उठो यहाँ लेटो, वहां से उठो यहाँ लेटो, अली वहां लेट जाओ। अल्लाह के नबी को हटाते हैं, कभी अली को लिटा देते हैं, कभी अकील को लिटा देते हैं कि रोजाना यही मामला है, कभी यहाँ से उठाते वहां लिटाते, वहां से लिटाते यहाँ लिटाते, अपने बच्चों को लिटा देते हैं। लेकिन मेरे आका ने पूछा कि चाचा जान ये रात को क्या होता है, आधी रात को आप उठते हैं और उठ के मुझे उठा देते हैं, कभी अली को सुला देते हैं, कभी अकील को सुला देते हैं। तो बूढ़े अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे, घर के सुराखों से यहूदी मुशरिकीन तुम्हारे सोने की जगह को देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि तुम पे वो हमला कर दे, इसलिए मैं तुमको वहां से हटा देता हूँ। अगर कोई नुकसान के इरादे से आए तो अली तुम पे कुर्बान हो जाए, तुमको धक्का जलपा सरकार अबू तालिब ने सिखाया। इस्लाम के इतने बड़े मोहसिनी आदम, और एक बात सुन लो, अल्लाह की जात के बाद अगर नबी ने किसी से मोहब्बत की तो अबू तालिब है। बाद शरीफ की मोहब्बत के बाद मेरे नबी ने किसी से मोहब्बत की तो वो जाते अबू तालिब है, और सारी कायनात में किसी से कोई मोहब्बत करे अबू तालिब तो वो जाते मोहब्बत। हमको मालूम था कि उसके घर में नबी पैदा हुआ है, खातिमुन नबीन पैदा हुआ है। अब तवज्जो, जो कुरान शरीफ की आयत पढ़ी उसकी मैंने तबीर बांधी है कि हजरत अबू तालिब को मालूम था कि ये खातिमुन नबीन है। हिजरत की शब सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे अव्वल मेरे आका के साथ हिजरत की शब गारे सूर में थे। बहुत बड़ा कारनामा है सरकार सिद्दीक अकबर का कारनामा के मेरे नबी के साथ थे और गारे सूर में मेरे आका के साथ घर में छुपे हुए थे। मुशरिकीन तलाश कर रहे थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये मौलाना की तकरीर मैंने बम्बई सुनी, उसका जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुछ हिजरत की शब का वाकया बयान करके कहा कि सारे लोगों के एहसान का बदला मैंने अदा कर दिया, जितनों ने मेरे साथ एहसान किया मैंने उन सब का बदला अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का मैं एहसान का बदला नहीं कर सका जो हिजरत की शब मेरे साथ गारे सूर में थे। अबू बकर का मामला अल्लाह के सुपुर्द अल्लाह करेगा, और अल्लाह ने इसी दुनिया में उनके एहसान का बदला किया कि 1,24,000 सहाबा और रिकॉग्नाइज रसूल की वजह से है, और सिद्दीक अकबर की सहाबियत का ऐलान कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है। सिद्दीक अकबर की सहाबियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो यकूल लिसाहिबी ला अहबल इल्लल्लाह माना। एक शब्द तवज्जो, हिजरत की शब्द एक रात सिद्दीक अकबर ने घर में गुजारी तो परवरदिगारे आलम ने उनकी शर्मे सहाबियत की सनद अता फरमाई। अब हदीस शरीफ सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आए अली, क्या बात क्या बात, आए अली, अल्लाह ने दुनिया की पैदाइश से
36,000 साल पहले एक नूर से तुझे और मुझे पैदा किया, एक नूर से तुझे और मुझे पैदा किया। वो नूर दुनिया की पैदाइश से 36,000 साल पहले पैदा हुआ। एक हिस्से का नाम मोहम्मद है और एक का नाम अली है। एक नूर के दो नाम है, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। और वो नूर सफर करता हुआ चला, आदम से चला, आदम से नूह में चला, चीज पे चला, ये सारे पैगंबरों से होता हुआ अब्दुल मुत्तलिब के पास वो नूर पहुंचा तो साथ साथ था। अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये नूर के दो हिस्से हुए, मोहम्मद और अली के दो हिस्से हुए। एक अबू तालिब की पीठ पे चला गया और एक अबू अब्दुल्ला की पीठ पे चला गया। दुनिया की पैदाइश से 36,000 साल पहले जो नूर चला अब्दुल मुत्तलिब तक साथ था। एक शब्द हिजरत की अबू बकर साथ थे तो अल्लाह ने ये एजाज अता किया है। अरे दुनिया के 36,000 साल पहले से छोड़ेंगे अली, सो जाओ। अली ने बिस्तर तान के आराम किया,
اب یہ مشرکین کا قافلہ اندر گھسا تو یہ بستر قتل تھا. کیا بات, وہاں سے تو بچنے کی صورتیں تھی, بے شک بے شک, یہاں نہیں لوگ وار میں چھپ جاتے, لیکن بستر سے بھاگنے کی تو کوئی صورت نہیں تھی, تلواریں کھلی ہوئی تھی, دشمن اندر پہنچے. اللہ نے ایک شریر کے دل میں یہ ڈالا کہ بھائی آدمی چہرہ چھپا کے لیتا ہے, اسے کیا قتل کرنا ہے, چہرہ دیکھ کر اس کو قتل کریں گے. جب چہرہ ہٹایا تو بستر کے اوپر چادر تان کے بیٹھے تھے, تو ہجرت کی شب بستر نبی پہ تھے علی, اور دنیا سمجھ نہ پائی تھی کہ محمد ہے یا علی. جب یہ بستر پہ سے چادر ہٹایا تو علی مرتضیٰ کا چہرہ نظر آیا. تو یہ کارنامہ کوئی انجام نہیں. اب یہاں پر ایک اور بھی خارجی کہنے لگا کہ وہ بستر پہ سو گئے تھے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا, اور یہ بھی کہا گیا علی کا احسان ہے کہ بستر پہ سو گئے, علی کا احسان ہے کہ علی نے میری بات سن لی. حضرت سرکار ابو بکر کا احسان میرے نبی نے مانا, ارے نادان, بیٹا اگر باپ کی خدمت کرتا ہے تو احسان نہیں ہوتا. گھر والے اگر گھر والے کی خدمت کر رہا ہے تو احسان نہیں ہوتا, احسان باہر والوں کا مانا جاتا ہے. علی کو پیدا ہوئے تو قربان ہونے کے علی کو پیدا ہوئے ہیں قربان ہونے کے لیے. علی نے اگر میں کبھی آج تک کچھ سے سنے آپ, میں کبھی بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پتہ عثمان بھائی کا میرے پتہ ناندیڑ کی سرزمین پہ عثمان بھائی کا بڑا احسان ہے مجھ پر, ہمیشہ باہر والوں کا احسان کرتا ہوں. علی پاجا سرکار ہے خدمت کر رہے, میرے بیٹے شبر پاجا کبھی بھی نہیں بولوں, میں میرے بیٹے کا احسان ہے میرے اوپر, بچے کا کام ہی ہے باپ کی خدمت کرنا, عورت کا کام ہی ہے گھر والوں کی خدمت کرنا, اور گھر والوں کی خدمت کا کبھی حضور نے ذکر نہیں کیا, یہ تو کرتے رہے, بے شک یہ تو کرنے کے لیے ہے. احسان میرے نبی نے باہر والوں کا مانا ہے. ابو بکر کے مال نے جتنے مجھے فائدہ دیا, اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں کیا, یہ بھی تو میرے نبی کا احسان ہے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر تم نے کیا, لیکن تاریخ اسلام بتاتی ہے, یہی ابن صاحب کی روایت ہے, آج قوم کے پاس رسول اللہ کے فاقے کا ذکر ہے, اور ہم آدمی بڑے ڈھنگ کے کیچڑ بولتے ہیں, رسول اللہ بھوکے رہتے تھے, رسول اللہ کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, انتخاب کے وقت زنا اور یہودی کے پاس رہی تھی, یہ رسول بھوکے رہتے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, یہ محبت کی ہماری بھوکے رہنے کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ, یہ محبت آئی کہ بھوکے رہنے کی, پتھر باندھنے کی نوبت کیوں نہیں آئی؟ رسول اللہ کا فاسا تم مدینے میں بتا سکتے ہو, لیکن کسی میں دم نہیں ہے کہ مکے میں میرے نبی کے گھر پاسا ہوتا ہے. مکے شریف میں رسول اللہ کے گھر میں فاسا نہیں بتا سکتے, کیونکہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پوری دولت کا مالک میرے نبی کو بنا دیا تھا. ارے گھر میں فاسا تو بڑی بات ہے, ابن صاحب کی روایت ہے ممازی کی کہ اللہ کا رسول ہر سال شعبان کی جس آدھے شعبان میں غار حرا چلے جاتے تھے, اعلان نبوت سے پہلے غار حرا چلے جاتے تھے, اور غار میں میرے آقا رہتے تھے, تو کبھی ایک مہینہ رہتے تھے, کبھی ڈیڑھ مہینہ رہتے تھے, اور اسی وقت وہی نازل ہوئی نا 26-27 رمضان کو, عادت کے مطابق میرے آقا غار حرا چلے جاتے تھے. اب اللہ کے نبی کے پاس لوگوں کی امانتیں رہتی تھی, اب حضور تو غار میں ہیں, جھگڑا کرے تو فیصلہ کون کر رہے, حضور تو غار میں ہیں, تو یہ لوگ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے غار حرا چٹان پہاڑی پہ جاتے تھے, تو ایک جاتا, دو جاتے, دس جاتے, پچاس پچاس, سو سو آدمی میرے نبی کے انتظار میں غار حرا کے سامنے کھڑے رہتے, تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ وہاں ٹینٹ ڈلواتی, اور جتنے میرے نبی سے ملنے کے لیے پہنچے ان کے لیے تین وقت کھانے کا انتظام کرتی. ارے جب نبی کے دروازے پہ پہنچے وہ کبھی بھوکا نہیں رہا, نبی کے گھر میں فاقہ کیوں ہو گیا؟ کیا ہوا نبی کے گھر میں, یہ فاقے کی نوبت کیوں آئی؟
और दो जुमलों में और आगे बात बता दूं, यकीनन मेरे आका भूखे रहते थे। ये तबीयत तबीयत की बात है, तबीयत की बात है भाई। आपको खाने में मजा आता है, मेरे आका को भूखे रहने में मजा आता है। मेरे नबी को भूखे रहने में मजा आता था, लेकिन भूखा रहना इस बात की दलील नहीं है कि कुछ भी के नहीं है, मालिक नहीं है, खाने को नहीं है। एक फाखा मजबूरी का है, बेशक एक फाखा मजबूरी का है, एक फाखा इख्तियारी है, एक फाखा मजबूरी का है और एक फाखा इख्तियार का है। बेशक वैसे निर्मल ये मजबूरी का है, ये मजबूरी है, ये इख्तियार है, मालिक होके नहीं खा रहे। क्या बात है, बेशक मालिक होके नहीं खा रहे हैं, एक मजबूर होके नहीं खाते हैं, मालिक होके नहीं खाते हैं। तो मेरे नबी अगर भूखे रहते हैं तो कायनात के मालिक थे, भूखे रहते थे। सबको खाने में मजा आता था, मेरे नबी को भूखे रहने में मजा आता था। ये तबीयत की बात है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वसलाम अपनी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, अपने एक बात बताओ, ये जितनी हदीस की किताबें हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बारे में, हजरत मकासिदुल इस्लाम में, हजरत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन सियुती, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने एक वाकया लिखा कि आदम अलैहि सलाम जब जमीन पे उतरे, हवा उतरे, दोनों की मुलाकात अरफात में हुई, तो आदम अलैहि सलाम जो है अम्मा हवा की तरफ हाथ आगे बढ़ाए। वहाबी बोलते हैं ना भाई, ये सुनियों के पास एक बीघा, जब देखो सलाम करते रहते हैं, सलाम अलैका, जुम्मे में शुरू, फजर में शुरू, क्या इनकी अम्मा का महर है क्या? अल्लाह के अंदर हमारी अम्मा का महर ही है, क्या बात है, क्या बात है, सलाम तो सलाम को माँ का महर ही है। बोला हदीस जरीफ में है, आदम अलैहि सलाम जब उनकी अम्मा हवा की तरफ हाथ बढ़ाए तो जिब्राइल ने कहा कि है आदम, आप इनको हाथ नहीं लगा सकते, आपका निकाह नहीं हुआ, जन्नत में थे तो अलग मासूम था, यहाँ तो निकाह होना पड़ेगा। तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने मेरे हजरत आदम ने कहा कि जिब्राइल निकाह कर दो, बोले महर देना पड़ेगा, हवा को महर देना पड़ेगा। हजरत आदम ने कहा कि जिब्राइल मेरे पास क्या है जो मैं हवा को महर दूं? तो बोले खातिमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे तीन बार दुरूद और सलाम पढ़ लो, महर हो जाएगा। अब इनको सोचना पड़ेगा ये किसकी औलाद है। एक चीज है कि भाई मेरे नबी का आदम अलैहि सलाम का निकाह और महर जिब्राइल सुनवा पड़े और महर अदा करे नबी पे दुरूद, तवज्जो। आदम का मामला वो है और सैयदुल अंबिया नबियों के सरदार का जब निकाह हुआ तो खुतबा किसने पढ़ा? बुखारी शरीफ की हदीस उठा के देखो, जब रसूलुल्लाह का निकाह हुआ तो खुतबा पढ़ने वाले सरकार अबू तालिब थे। अबू तालिब ने खुतबे में क्या पढ़ा? बेशक दावत दे वलीमा भी वही करे और मुस्तफा का महर भी वही अदा करे। वहां महर में रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ा गया और यहाँ महर सरकार अबू तालिब ने अपने जेब से अदा किया। यह अजीब बात है कि नबियों के सरदार का निकाह काफिर पड़े, नबियों के सरदार का निकाह काफिर पड़े और महर काफिर अदा करे, किस मुंह से अबू तालिब को तुम काफिर कह रहे हो? जिन्ना कदी है युजन अल्लाह व रसूल अल्लाह फि दुनिया व आखिरत, अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की लानत।
आज बीमारी हो गई है अबू तालिब की, अब मैं आ गया अपने मौजूद को शुरू कर दूँ। अब मैं जवाब देने के लिए छोड़ते जा रहा हूँ। भोगने की तो आदत है ना। दो किस्म के कुत्ते हैं, एक वो है जो मालिक को देख के दुख दिलाते हैं, और एक वो कुत्ते हैं जो मालिक को देख के भोगते हैं। अरे फाजिले मेरे की मौलाना अहमदुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी किस्मत की कसम खाने सगाने मौला है, तेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बब्बा, हिंद में भी रहो तो देता रहूं पैरा तेरा। ईरान पीर अहमद अल्लाह आपके घर का वो कुत्ता है कि बगदाद के कुत्ते इसकी किस्मत पे नाश करते हैं कि बैठा है हिंदुस्तान में और पैरा दे रहा बगदाद का, बैठा है हिंदुस्तान में पैरा दे रहा है बगदाद का। तो कुत्ते का काम घर का पैरा देना है, मालिक को देख के दुखना। अरे जो कुत्ता घर वालों पे भोगता है, जो कुत्ता घर वालों में भोगता है उसे बदिया वालों के हवाले कर देते हैं, तो मालिक को नहीं पहचाना। कुर्बान जाए 1,24,000 सहाबा की खिदमत एक तरफ, उम्मुल मोमिनीन की खिदमत एक तरफ। लेकिन मेरे नबी ने उनके एहसान की बात नहीं की, वो तो बीवी है। अरे बीवी का काम ये शौहर की खिदमत करना, उसमें एहसान का क्या मामला है? लेकिन उम्मत को तो एहसान मानना चाहिए। मेरे नबी नहीं बोले तो क्या तू एहसान नहीं मानेगा? खुदा की कसम वो ना खराब उम्मत ही है जो उम्मुल मोमिनीन के एहसान को ना माने। खुदा की कसम दोनों हाथों से मेरे नबी ने पूरी दौलत उठाई है खदीजतुल कुबरा की। मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के की वादी से चले आ रहे हैं, सैकड़ों आदमियों का एक काफिला धूप में तड़प रहा है, पहनने को कपड़े नहीं है, पत्ते बांध के पड़े हुए हैं, आसमान पे साया नहीं है, भूख प्यास से हड्डियां निकल गई। मेरे आका ने उनको देखा और सामने आके घर में खामोश बैठ गए। खदीजतुल कुबरा ने पूछा, अय अबू कासिम क्या बात है, आपकी तबीयत इतना आसान है? कहने लगे खदीजा फुला बाती से आ रहा हूं, खुदा की मखलूक बेसलो सामानी के आलम में पड़ी हुई है, जिनको खाने को खाना नहीं है, सर पे शामियाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, काश मेरे पास कुछ होता तो मैं उनकी कुछ खिदमत करता, मगर क्या करूं मेरे पास कुछ पैसा नहीं है जो मैं उनकी मदद करूं। ये कह के मेरे आका पे खामोश हो गए, उसी फिक्र में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम उठी, एक बड़ा बक्स उठा के लाई, अल्लाह के रखी रख के उस खोल के उसमें से अशरफियां निकाली। अशरफियां निकाल के बोली, अय अबू कासिम इधर देखिए, अय मोहम्मद अरबी इधर देखिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आंख उठा के देखा तो अशरफियों की थैली बक्स के ऊपर जमाने लगी, दीवार खड़ा करने लगी अशरफियों की, तो वो अशरफियों की थैली रखते जाती है, मेरे नबी मुस्कुराते जाते हैं। अशरफियों की दीवार खड़ी करते जा रही है, मेरे नबी मुस्कुराते जा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि इतनी ऊंची दीवार अशरफियों की उम्मुल मोमिनीन ने बना दी कि अब कह रही कि अय मोहम्मद इधर देखिए, तो मेरे आका बेख्तियार मुस्कुरा के बोले, खदीजा तुम तो दिख नहीं रही हो, बीच में अशरफियों की दीवार उठा दी हो, मैं कैसे तुमको देखूंगा। इतनी जोर से मेरे नबी ने मुस्कुराया कि मुस्कुराहट की आवाज जब उम्मुल मोमिनीन ने सुनी तो पूरी अशरफियों की दीवार उठा गिरा दी और गिरा के कहने लगी कि अय मोहम्मद तुम्हारी एक ये घर वालों की खुदवाई, ये नहीं करेंगे
अंदर होगा तो निकलेगा ना। क्या बात, उमर मोमिनीन हजरत अबू कुबरा। अब ये बात किरण के लिए हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला ने को मालूम हो चुका था कि ये खातिमुन नबी नहीं, इनके घर में पैदा हुए, इनके तो गोद में पैदा हुए, अल्लाह के नबी को मालूम हो गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, अबू तालिब को भी मालूम था, अब्दुल मुत्तलिब को भी मालूम था, और सैयदा आमिना को भी मालूम था कि कौन आगे हैं, खदीजे शरीफ हदीसे मीराज में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आमिना को जब दर्द होने लगे, जब दर्द होने लगे तो दर्द की तकलीफ, जो दर्द का एहसास हुआ अचानक सामने से तजल्लिया छोड़ गए, पर्दे हट गए, तो सैयदा आमिना ने देखा कि आसमानों से फरिश्ते उतरे और काबतुल्लाह शरीफ में झंडे गाड़ रहे, जिब्राइल मिकाईल इज़राइल इसराफील। मेरे नबी की विलादत से पहले उन सैयदा आमिना ने सारी कायनात को देख लिया और फरिश्तों को देख लिया, को नहीं मालूम था कि कौन पैदा हो रहा है, माँ को नहीं मालूम कि कौन पैदा हो रहा है, इस बच्चे की पैदाइश पे तजल्लियात रब्बानी का मुशाहिदा होता है, इस बच्चे की पैदाइश पे पूरे इंकशाफात होते हैं। ये तो उम्र हजरत अब्बास कहते हैं, सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब भी कहती है कि सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब कहती है हुजूर की फूफी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी, ठंडा पानी गर्म करके लेके जा रही है, हुजूर को दिलाने के लिए बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चे को दिलाने के लिए ले जा रही है। हालात बता दूंगे, घर वालों को कैसे मालूम था, घर वाले कैसे, ये गलत है कि घर वाले ना इल्म थे, घर वालों को मालूम हुआ कि कौन पैदा हो रहा है, सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब पानी लेके जा रही है, गर्म बच्चे को पैदा होने के बाद हिलाया जाता है, जैसे ही पानी लेके कमरे में दाखिल हो रही है आसमान से आवाज आई, अरे सफिया कहाँ जा रही हो, अरे सफिया कहाँ जा रही हो, तो आवाज की तरफ देख के बोली कि रब्बुल आलमीन मोहम्मद की बीवी आमिना को बच्चा पैदा हो रहा है, उसे दिलाने के लिए ले जा रही हूँ पानी, तो बोले अरे सफिया ये और बच्चे की तरह बच्चा नहीं है, ये हौज़े कौसर से नहा के आ रहा है। कौन सा बच्चा हो देखो सबसे आगे आया था, क्या बात, सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की फूफू को भी मालूम था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो रहे, अबू तालिब को भी मालूम था, अब्दुल मुत्तलिब को भी मालूम था, खानदान के एक एक फर्द को मालूम था कि खातिमुन नबीयीन पैदा हुए। अब मेरे दोस्तों, जब बाखबर रखना चाहा तो अरब के काहिनों को, जाहिलों को, यहूदियों को पता करवा दिया, और जब बेखबर रखना चाहा तो घर वालों को बेखबर रख दिया। बेशक, बेशक, क्या बात है भाई, हदीस है मेराज। अब कैसे देखिए, पूरे सियाह सित्ता में मेराज के वाकयात बयान किए हैं, मैं थोड़ी चुनिंदा बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए तो पहले आसमान पे ये पैगंबर, दूसरे आसमान पे उनसे इदरीस से, ईसा से, मूसा से, पूरे सातों आसमानों पे पैगंबरों से मुलाकात होती रही कि मेरे आका का एहसास है भाई, पूरे पैगंबर मिले। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ ले गए, तवज्जो, अल्लाह के नबी जन्नत में तशरीफ ले गए, सरकार का एहसास है, अरे मोहम्मद मैंने जन्नत बनाई है अपने गुलामों को देखने के लिए, अब मेरे आका जन्नत में गए तो देख के इतना खुश हुए, ये जिब्रील ये क्या है, ये क्या है, बोले यार सुनाए मोहम्मद अरबी है, जन्नतियों का दरवाजा है, नमाजियों का दरवाजा है, इस दरवाजे से आपकी उम्मत के नमाजी जाएंगे। अल्लाह के नबी बहुत खुश हो गए कि मेरी उम्मत के उम्मतियों के लिए नमाजी का, नमाज का दरवाजा है, ये रोजेदारों का दरवाजा है, ये ज़कात देने वालों का दरवाजा है। फिर अल्लाह के रसूल ने जन्नत का मुआयना किया तो देखा कि वहां पर बड़े उलमा बैठे हुए हैं, अरे जिब्रील ये क्यों है, बोले यार सुनाए मोहम्मद अरबी आपकी ये उम्मत के बाअमल आलिम है, जो दीन कौम की दीन की तबलीग करते थे, खिदमत करते थे, और बड़े आराम से जन्नत में उलमा नजर आए, ये कौन है, बोले ये पाकबाज औरतें हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती थी, अल्लाह ने जन्नत में इनका आला मकाम दिया है। दरबार बहुत खुश हो गए, एक एक उम्मती को हुजूर ने जन्नत में देखा, मुर्गे इनामात को देखा, फिर अल्लाह के नबी अचानक पलट के पूछे जिब्राइल ये कौन है,
بڑے یاد ہیں محمد عربی آپ کی امت کے وہ حافظ قرآن کے جاہل لوڑے دو دو کی طرح جو بٹے ہوئے ہیں ان کے اما بابا کو جنت میں سونے کے تخت و تاج پہ میرے نبی نے لکھا یہ حافظ ہے یہ اما بابا کو سونے کے تخت و تاج پہ میرے نبی نے لکھا ہے جبرائیل یہ کون ہے بولے یہ محمد عربی آپ کی امت کے وہ حافظ قرآن ہے اللہ نے ان کے باپ والدین کو سونے کا تاج پہنایا ہے اور سونے کے تخت پہ بیٹھا ہے بارہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کرے ایک ایک امتی کے اور کرو بولے ایک ایک امتی کے حالات کو دیکھا اللہ کے انعامات حضور کی امت پہ ہوئے دیکھا ارے جن کے غم میں سال بھر روتے رہے جن کے غم میں سال بھر روتے رہے جنت پہ جا کے یہ نہیں پوچھا کہ جبرائیل میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کہاں پر ہے جبرائیل میرے بچے کہاں پر ہے طیب و طاہر و قاسم کہاں پر ہے میرے دادا عبد المطلب کہاں پر ہے وہ محلے میں لے گئے نہیں جبرائیل علیہ السلام وہ محلے میں جو رسول اللہ کا خاندان رہتا تھا چائے لے گئے پورے دنیا کے مولویوں کو ایک حدیث بتا دو کہ میرے آقا نے جنت میں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے ملاقات کی ہو بتاؤ سال بھر جن کے غم میں روئے اور جنت میں ابھی اچھا جانے دو سنو بخاری شریف کے لیے سنیں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کے لیے کھانا پکا کے لا رہی ہیں ام المؤمنین کے ہاتھ میں ٹیفن ہے ادھر کھانا آ رہا ہے ادھر جبرائیل آئے اور جبرائیل نے سلام آ کے بولے کہ اے محمد عربی آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا پکا کے لا رہی ہیں ان کو میرا اور آپ کے رب کا سلام بخاری شریف پیش کیا